उधर भी बुला लो सबको।
मैंने नहीं मैंने मुकुंद ने अबकी बार तो सही भेज दी। शुरू तो कर दो। गुरु ते कृपा बिंदु दिया करो दासे Thank you.
चुना ही पाए तुम्हारा करुणा सारा करुणा ना होए कंदिया कंदिया हरे कृष्ण बोलो सचि नंदन गौर हरि की जय। हरे कृष्ण हरे हरि गौर हरे कृष्ण बच्चों ने बनाई है छोटी बना दी हरे कृष्ण। सुंदर लाला सचिरा दुलाला नाचत हसी हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिरा दुलाला नाचत हसी हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिरा हरि कीर्तन में नाचत श्री हरि कीर्तन में।
Thank you.
गौर ब्रह्मानंद जी। ये फुल है, फुल है। अजी मुरली बजे, जय हो जय हो वृंदावन Thank you.
रिकॉर्डिंग हो रही है क्या आज? नदिया युगे पूर्ण चंद्र गौर जय हो जय नदिया उदय गिरी पूर्ण चंद्र गौर कृपा करी I got it.
Thank you.
कहूँ कथा सुनाइए। तुलसी ग्रुप महाप्रभु की कथा सुना, ये यहाँ पर महाप्रभु जी को देखकर आनंद आ गया। ये कौन सा भजन गाया मैंने पता है? नाचे जा रहे हैं बस महाप्रभु के नाम से आनंद। गौर पूर्णिमा के दिन महाप्रभु जी के जन्मदिन के दिन ये उनका हैप्पी बर्थडे है। ये उनकी जन्म क्या है लीला, जन्म लीला का वर्णन है जो कृष्णदास जी ने वर्णन किया है। तो उसका आप सबकी प्रसन्नता के लिए नहीं, यहाँ पर ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए गाया। मन में भाव आया, कुछ विचार आया, यूं कहो कि महाप्रभु जी ने कहा मेरे लिए गाओ, बस ऐसी प्रेरणा हुई इसलिए गाने की इच्छा। हरे कृष्ण। और मेरे को पता है किसी को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन तस्मिन तुष्टे जगत सुष्टे, महाप्रभु जी की प्रसन्नता के लिए गाया इसलिए सबको आनंद होगा। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण हरि बोल। देखो सबसे प्रथम अपने परम आराध्य श्री गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में साष्टांग दंड प्रति अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात भक्तिदान शिला सिद्धांति को स्वयं महाराज जी के चरणों में दंड प्रणाम करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरुदेव श्रीमान परमेश्वर प्रभु जी के श्री चरणों में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा यथायोग दंड प्रणाम। आज महाराज जी का आदेश है श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में बोलने के। देखो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है, अर्थात राधा रानी और कृष्ण ही है, लेकिन ये महाप्रभु आने का क्या क्या कारण था इसके पीछे बहुत बहुत बड़ा रहस्य है। हम जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान अनेक अनेक लीलाएं धारण करते हैं। क्यों करते हैं? उनको क्या हो सकता है? हो सकता है वहां अभाव हो जाता हो, सेवकों का अभाव हो जाता हो, इसलिए भगवान क्या करते हैं? लीलाएं करते हैं। ऐसा नहीं है, वहां कभी भी सेवकों का अभाव नहीं होता, वहां कोई वैकेंसी खाली नहीं होती। लेकिन भगवान हमारे पर कृपा करने के लिए तरह तरह के रूप धारण करते, कभी बावन, कभी नरसिंह, कभी पूर्व, कभी बराह, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी श्री महाप्रभु। क्योंकि हम संसार में प्राय प्राय सभी लोग दुखी हैं, लेकिन इस संसार को हम लोग क्या मान बैठे हैं? इस संसार सुखमय संसार मान कर बैठे हैं। इसलिए भगवान जानते हैं, एक पिता जानता है कि मेरे बच्चे दुखी हैं, उनके दुख को दूर करने के लिए पिता तरह तरह के भांति भांति प्रकार के क्या करते हैं? व्यवस्था करते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही हैं, लेकिन सोचने लगे कैसे जीवों पर कृपा हो, क्योंकि जीव कैसे थे? जो कृष्ण थे उन्होंने कहीं ना कहीं पर रेवड़िया टाइप बांटी है, जैसा पात्र था वैसा उन्होंने कृपा किया। राम जी आए जो पात्र थे पात्र को ही कृपा किया, कृष्ण आए जो उनकी योग्य थे उन पर ही कृपा किया, लेकिन जो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु उन्होंने पात्र और अपात्र देखा ही नहीं, विचार ही नहीं किया, सबको प्रेम दान दिया। कैसे दिया? ये श्री नाम जो हम आज महामंत्र करते हैं, अगर श्रीमान चैतन्य महाप्रभु नहीं आते या हमारे गोस्वामी वर्ग नहीं आते
और हमारे गुरुवर भी नहीं आते तो ये हम तक नहीं पहुंच पाते। ये सिर्फ अगर किसी की देन है तो एक श्रीमद महाप्रभु की देन है। महाप्रभु हम जीवों पर कृपा करने के लिए, हम जीवों का दुख से इतने दुखी हो गए और आकर उन्हें सबसे सरल उपाय क्या होता है, नाम संकीर्तन। क्योंकि और योगों में जो भगवत प्राप्ति होती थी, कहते हैं तृतीय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजितो मखि द्वापरे परिचर्याम कलो तद हरि कीर्तना। सतयुग में सभी लोग प्राय प्राय करते करते अच्छे अच्छे लोग, इसीलिए भगवत भगवत जो प्राप्ति होती थी वो बड़े ध्यान से हो जाते थे। लोग लंबी उम्र होती थी, लोग सभी लंबी ध्यान करते थे और भगवत प्राप्ति कर लेते थे। लेकिन जब उसके बाद त्रेता युग आया तो कैसे मिलते थे भगवान, यज्ञ के माध्यम से। लेकिन आपने सुना होगा कि जब यज्ञ करते थे तो दुष्ट लोग क्या करते थे, यज्ञ की समाधि समझा उठा जाते, यज्ञ ध्वंस कर देते। इसलिए राम जी आए, उनको यज्ञ के द्वारा भगवत प्राप्ति हुई। लेकिन त्रेता में भगवान कैसे मिले, अर्चन के माध्यम से। लेकिन देखो ये कलयुग है, कलयुग में ना तो हम ध्यान कर सकते हैं, ना तो यज्ञ कर सकते हैं और ना अर्चन कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान करेंगे हम लोग देखना संसार के हम लोग दिखाई पड़ेंगे, रिश्तेदार हमारे बच्चे। कभी ध्यान करके देखना अपने घर में बैठ करके, अगर मेरी बात का विश्वास ना हो तो ध्यान करना, आपको अपने बंधु बांधव दिखे लेकिन भगवान नहीं दिखेंगे। इसीलिए भगवान ने इस कलयुग में जानते हैं सभी लोग जीव क्या है, प्राय प्राय दुखी है और उनको दुख के दूर करने के लिए, क्योंकि सबका मन क्या है, विशुद्ध है। प्राय प्राय लोग मंद बुद्धि है और बड़ा उपद्रव, मतलब हृदय में क्या हलचल मचा रहता है, हर समय भागम भाग मची रहती है। इसीलिए भगवान हम पर कृपा करने के लिए ये नाम दिया। कि नाम को कैसे बताया, कि नाम कैसे भी करो नो उच्चिष्टात और निश्चित अस्थि श्री हरिनाम लोग, हे नाम करने वाले लोग जनो। देखो आजकल हम क्या करते हैं, मुंह जूठा करके भी करते हैं, मानते नहीं हम लोग। लेकिन भगवान ने इसलिए नाम कर दिया कि तुम मुंह जूठे करके भी नाम करो, नहीं नहीं नहा सकते बिना नहाए करो, यदि तबियत खराब है बेड में लेट करके करो, लेकिन कैसे ना कैसे प्रकार से हरिनाम करो। क्योंकि इस नाम को करने मात्र से ही भगवान क्या करते हैं, अपनी ओर हमें खींच लेते हैं। और कोई भी साधन नहीं है। देखना शिव जी क्या करते, शिव जी बैठकर हरि नाम करते हैं। महाराज जी हमारे बताते हैं कि शिव जी कौन सी माला से नाम करते हैं, एक माला करते हैं नाम रुद्राक्ष की माला से बैठकर क्या करते हैं, हरि नाम करते हैं। महाराज जी हमारे बताते हैं कि देवी जो है अष्टभुजा होने पर भी देखना उसके हाथ में क्या होती है, माला होती है। और हनुमान जी भी हरि नाम करते रहते, सीताराम सीताराम करते रहते हैं। यानी इससे ये पता चल जाता है कि नाम ही एक ऐसा युग में जो है प्रभावशाली है और कोई भी उपाय जो है इतना प्रभावशाली नहीं है। इसलिए हमें सबको नाम करना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु के आने का एक ही उद्देश्य था कि जीवों तक घर घर तक बैठ कर किससे वो मंत्रण करते थे, किससे, नित्यानंद प्रभु से बैठ करके मंत्रण करते थे कैसे जीव का कल्याण हो। इतनी चिंता होती, सोच लो हम मीटिंग कब करते हैं, जब जानते हैं व्यवस्था कुछ खराब हो रही है तब मीटिंग करते। ऐसे ही हम जीवों को कृपा करने के लिए चैतन्य महापुरुष शिवन महापुरुष से बैठकर क्या करते थे, मंत्राधार मीटिंग करते थे कि जीव का कल्याण कैसे हो, ये कैसे करके मेरे पास तक आए और मैं पर कृपा करूं। जब छोटे से बालक थे महाप्रभु तो बाल लीलाएं करते थे, पांडित्य वाला कार्य करते, कभी किसी को हराते, उनको देख देख करके महाप्रभु के गढ़ में उनसे भाग लेते, बोले ये निमाई आ रहा है, कुछ ना कुछ बोलेगा, उल्टा सीधा प्रश्न करेगा, सत्य को असत्य, असत्य को सत्य करता है, ऐसी स्थिति थी। लेकिन बाद में चैतन्य महाप्रभु ने सोचा अगर हम ऐसे ही करते रहना तो लोग मेरे से विद्वेष कर बैठेंगे, इसीलिए भगवान ने कृपा करने के लिए हंतियों पर उन्हें संन्यास धारण कर लिया। क्या भगवान को संन्यास धारण करने की आवश्यकता है, तो भगवान है, लेकिन वो कैसे वर्ण और आश्रम के अंदर में आकर के हम पर कृपा करते हैं। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आए हमें नाम प्रदान करने के लिए। लेकिन हम हरि नाम कैसे करें, इसके विषय में बताते हैं कि सर्वप्रथम हमें गुरु पदास्थ करना पड़ेगा। जैसे शिव जी क्या बोलते हैं कि बिना गुरु भाव नहीं तर ही न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुए। संसार में कितने भी उपाय कर लो, शिव जी कहते हैं मेरे समान तो कोई हो नहीं सकता, यदि हो भी गया तो उसको भी क्या गुरु पदाश्रय करना ही पड़ेगा। इसलिए हमें सबको गुरु पदाश्रय करके और हरिनाम करते हुए तुलसी में जल देते हुए नित्य प्रति हमें हरिनाम करना, तुलसी सेवा करना,
और एकादशी का व्रत करते हुए हमें अपना जीवन जो है व्यतीत करना चाहिए, इससे ही हमारा कल्याण है, और कोई अन्य उपाय नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर महाराज जी हम लेकर के आए हैं और महाराज जी की अभी कथा बोलेंगे। इसीलिए हमें सर्वप्रथम जो है क्या करना चाहिए, एकादशी व्रत और हरिनाम। हरिनाम कैसे, गुरु पदाश्रय करके जब हरिनाम किया जाएगा उससे हमारा संबंध गुरु वैष्णव बना लेते हैं, किससे, भगवान से, फिर भगवान हमारी बात सुनते हैं और तुलसी में जल जाते हैं नित्य प्रति। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कर्तुम वृक्ष कृपा सिंधु देवता पैतानाम पावने भ्यो वैष्णव भ्यो नमो नमः। आचार्य वाम विजानिया नाम मन्यत करिचि नाम अर्थे उदय सहित सर्वे मयो गुरु सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा बड़ा सौभाग्य आज हम थोड़ा सा समय ठाकुर जी को दे रहे हैं। अभी तुलसी प्रभु जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु का विषय में बताया, गुरु जी की आज्ञा हुई है महाप्रभु के विषय में कुछ बोले। आप जो यहाँ पर पहला विग्रह का दर्शन कर रहे हैं, इधर से वहां पर दो विग्रह हैं, एक सीधे हाथ में एक बाएं हाथ में। जो बाएं हाथ वाले हैं उधर से वो है श्री चैतन्य महाप्रभु जी, वही चैतन्य महाप्रभु का विग्रह है। या इस फोटो में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जिन्होंने पीले वस्त्र पीताम्बर धारण कर रखा है वो है महाप्रभु। तो हर कुछ भक्त भी हैं यहाँ, वो तो पहले से जानते हैं, कुछ नए लोग भी हैं, तो इसलिए मैं ऐसा वर्णन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस चित्रपट में कि दोनों हाथ ऊपर कर पीताम्बर धारण कर रहे चैतन्य महाप्रभु, उनका नाम है गौरांग महाप्रभु भी बोलते हैं, और उनके साथ कौन है, नित्यानंद प्रभु जिन्होंने नीले वस्त्र धारण कर रखे, उनके भाई हैं। जैसे द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए और उनके बड़े भाई के रूप में कौन आए, श्री बलदेव प्रभु जी, उसी तरह से कलयुग में ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं कौन है, भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, और नित्यानंद प्रभु कौन है, बलदेव जी। इस कलयुग में 550 वर्ष पूर्व बंगाल में एक जगह है कोलकाता के पास नवदीप धाम, और वहां पर एक जगह है मायापुर, और उसमें योग पीठ में महाप्रभु का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अभी हमने उनकी जन्म लीला सुनी, बांग्ला भाषा में कीर्तन था ना अभी महाराज जी ने गाया था गुरु जी ने, उसमें पूरा उनका जन्म लीला का वर्णन किया हुआ है, कैसे उनका जन्म हुआ था। इनका जन्म बंगाल में मायापुर में हुआ, और भगवान श्री कृष्ण जो जगत के रचयिता हैं, जगत का पालन पोषण करने वाले हैं, वो 550 वर्ष पूर्व इस रूप में इस जगत में आए, और किस लिए आए, उनका एक ही कारण था, हम जैसे जो जगत के जीव हैं, जो यहाँ पर हम रहते हैं, उनको इस जगत से उद्धार करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए और अपने धाम में वापस लेकर जाने के लिए वो आए, और इसी कारण से उन्होंने अपने ही नाम का प्रचार, जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अभी हम कर रहे थे यहाँ पर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपना ही नाम, कृष्ण नाम किसका, स्वयं चैतन्य महाप्रभु को ने, मैंने बताया, हमने सुना गुरु वर्गो से, स्वयं वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण, और अपने ही नाम का प्रचार कर रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। क्यों, क्योंकि हमें बताने के लिए कि जो नाम है जो हम करते हैं इसमें बहुत पावरफुल है, बहुत शक्ति है, मेरे नाम में बहुत शक्ति है और बड़ी कृपा करता है ये जल्दी इस कलयुग में, तो उसका हम सबको बताने के लिए कि ये नाम मात्र करने से क्या होगा, आपके सारे जीवन के अमंगल कष्ट चले जाएंगे, कोई मंगल अमंगल नहीं रहेगा जीवन में, कष्ट दुख नहीं रहेगा, उस चीज को बताने के लिए महाप्रभु इस जगत में आए और हमारे को
दुखों से निवारण करने के लिए परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे। इसको भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कह रहे हैं गीता में कि मैं किस लिए आता हूँ जगत में, हर युग में आता हूँ। त्रेता युग में आए राम अवतार में, द्वापर युग में आए श्री कृष्ण स्वयं, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु। अभी 550 वर्ष पूर्व पहले ही भगवान श्री कृष्ण आए, किस रूप में, महाप्रभु के रूप में। तो इस प्रकार से क्या बता रहा परित्राणाय साधु, ये ध्यान से सुन रहा हूँ कि उन अपने भक्तों को पालन पोषण करने के लिए आए, उनकी रक्षा करने के लिए आए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए आए। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो गुरुजी ने बताया कि परित्राण साधु नाम अर्थात मतलब साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं, ठीक है ना। और इस कलयुग में महाप्रभु के स्वरूप में वो अपने ही भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं, और स्वयं भी अपने भक्तों को जब आनंदित देखते हैं तो स्वयं भी आनंदित होते हैं। जब हम सबको आनंदित देखते हैं, जैसे हम हमारे माता पिता होते हैं, अपने बच्चे को आनंदित करके वो क्या हो जाते हैं, स्वयं आनंदित हो जाते हैं ना, उसी प्रकार से महाप्रभु का ये स्वभाव है, भगवान का ये स्वभाव है कि वो हमें आनंदित करते हैं जब अपनी लीलाओं के द्वारा माध्यम से, भक्तों के माध्यम से। तो हम अगर इस नाम को करेंगे अपने जीवन में, बड़ा ही आसान है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं, देश विदेश के लोग भी करते हैं, आप देख सकते हैं हमारे निकट ही सारे बच्चे बैठे हैं, छोटे छोटे विदेश से आए, प्रभु जी आए। तो इन लोगों ने इसको समझा, और ये किसकी कृपा से समझा, क्योंकि महाप्रभु ने ही घर घर जाके इसका प्रचार किया, बंगाल में घर घर जाके सबको कृष्ण नाम का प्रचार किया। भजो कृष्ण करो, भजो कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, महाप्रभु ने क्या करा, घर घर जाकर अपने सभी भक्तों के साथ सबको घर 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 एक एक घर में जाकर क्या कहा, सभी को ये समझाया कि भगवान कृष्ण का नाम करना कितना जरूरी है हमारे लिए, और इसी से ही हमें आनंद की प्राप्ति हो सकती है इस जीवन में। और हम बचपन से लेकर बड़े तक कितने कार्य करते हैं, हमारा सभी लक्ष्य क्या रहता है, एक ही लक्ष्य रहता है हमारा सबका कि मैं कैसे ना कैसे 24 घंटा क्या रहूं, आनंदित रहूं, खुश हो जाऊं, कोई भी दुख नहीं चाहता। लेकिन इतने प्रयास करने पर भी, इतना पढ़ने लिखने पर भी, अच्छे से अच्छी नौकरी करने पर भी, अच्छे से अच्छे घर में रहने पर भी, कोई कमी नहीं होने पर भी हम लोग आनंदित नहीं हो पाते। गुरु जी उदाहरण देते हैं, रावण के पास कोई कमी नहीं थी, सोने की लंका, सोने का घर, सोने का पिलर, घर सोने का पूरा। उनकी पत्नी मंदोदरी वो बड़ी सुंदरी है, उनकी पूरी सेवा करती है, अच्छे सारी बात मानती है, उनके पुत्र भी बड़े सुंदर, भाई भी बड़ा अच्छा है, सारी बात प्रजा भी उनकी सारी बात मानती है, कोई कमी नहीं उनके पास, रावण के पास। लेकिन उनके लाइफ में एक कमी थी, इम्बेलेंस था, वो क्या, वो भगवान का नाम नहीं करता था रावण, इसी कारण से उसका क्या हुआ, सर्वनाश हो गया। तो अगर हमारे जीवन में सब कुछ है लेकिन इतना कुछ होने पर भी आनंद नहीं है, तो वो इसी वजह से है कि हम भगवान का नाम नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा समय भगवान को नहीं दे पा रहे। जिन्होंने हमें जल वायु इतना सब कुछ जो फ्री में दिया, कोई उसकी, गुरुजी उदाहरण देते हैं कि अगर कोई बीमार हो जाए व्यक्ति, किसी की किडनी खराब हो जाए और उसको अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए, और उसका कोई सगा संबंधी दूर का कोई रिश्तेदार उसका अपनी किडनी उसको डोनेट कर दे, तो वो जीवन भर के लिए उसका क्या रहता है, आभारी रहता है, और उसका धन्यवाद प्रकट करता है और कहता है मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ,
जैसे पूरा जीवन मैं आपकी सेवा करने के लिए थे, क्यों? आपने मेरा जीवन की रक्षा करी है। तो जिस भगवान ने हमें पूरा रूप, इतना सुंदर रूप दिया, पूरा शरीर हमारा सही है, हमारा कोई भी अंग खराब नहीं है, तो क्या हम भगवान का धन्यवाद नहीं कर सकते? और धन्यवाद कलयुग में भगवान का केवल मात्र भगवान महाप्रभु के माध्यम से बता रहे हैं कि मैं कैसे प्रसन्न होता हूँ। किसी का धन्यवाद करना मतलब उसको प्रसन्न करना, कैसे? बस आपको मेरा नाम करना है और कुछ नहीं करना, ये महामंत्र का जप करने से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को कृपा करने के लिए, अपने ही नाम का प्रचार करने के लिए आए, और इस नाम में बहुत शक्ति है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता, नियमित स्मरणे न काले एतादृशी तम कृपा, भगवन ममापि दुर्दैवम ईदृशम इह जानी नानुराग। महाप्रभु इसको कह रहे हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कह रहे भगवान आपके बहुत सारे नाम हैं, और सभी नाम जैसे गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, गोपी, यहाँ पे ठाकुर जी का नाम है राधा गोपीनाथ जी, दामोदर, तो भगवान ने जिस जिस प्रकार से लीला करी उनके नाम ऐसे ऐसे होते गए भक्तों के अनुसार। तो कह रहे आपके नाम में आपने अपनी पूरी शक्ति को भर दिया, अपनी सारी लीलाओं को भर दिया, और इतनी शक्तिशाली वो नाम है, हरि से बड़ा हरि का नाम, वो नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरण। कह रहे उस नाम को करने के लिए कोई नियम नहीं है। जैसे भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की विग्रह सेवा करने के लिए हमें पवित्रता धारण करनी पड़ती है, ठीक है, अर्चन पूजन करने के लिए पवित्रता धारण करनी पड़ती है, अभी प्रभु जी ने बताया था। यज्ञ करने के लिए सामग्री शुद्ध होनी चाहिए, स्थान शुद्ध होना चाहिए, करने वाला शुद्ध होना चाहिए, है, तपस्या करने के लिए ध्यान लगाना आना चाहिए, लेकिन कलयुग में ये तीनों चीजें संभव नहीं है। तो इस प्रकार से जो भगवान का जो नाम है उसमें कोई नियम नहीं है, हम पवित्र है, अपवित्र अवस्था में है, नाहे हैं या नहीं नाहे हैं, या कोई बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, कोई भी किसी भी आयु में, कोई स्थान का, काल का, इसमें कोई भी नियम नहीं रखा भगवान ने। महाप्रभु इस बात को बोल रहे हैं श्लोक को शिक्षाष्टक में कि कोई नियम काल स्थान की कोई इसमें बॉन्डिंग नहीं है नाम करने के लिए। इतना उन्होंने दया कर दी कि आपको हमें क्या करना है, केवल नाम करना है। जब भी संभव हो सके किसी भी कार्य को करते हुए हम नाम कर सकते हैं, कहीं जा रहे हैं तब भी नाम कर सकते हैं, कोई घर का कार्य कर रहे हैं तब भी नाम कर सकते हैं, क्योंकि मुख से ही बोलना है, बस मुख से ही बोलना है और कुछ। और उन्होंने कहा नियमित स्मरणे न काले एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि, भगवान आपकी बड़ी कृपा है कि आपने अपने नाम में सारी शक्तियों का निहित कर दिया और मेरे को ये दान दिया, लेकिन मेरा दुर्दैव है ये हमारी अल्प बुद्धि होने के कारण, अभी बोला ना प्रायण अल्पायुष वाला, हाँ सभे अकलो अस्मिन युगे जनाः मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या ही उपाधिता, कि इस कलयुग में हमारी जो बुद्धि का जो स्तर है वो बड़ा अल्प है, तो उस कम बुद्धि होने के कारण क्या है, मैं आपकी इस कृपा को समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन इस कृपा को समझाने के लिए हमारे घर में उनके भक्त आते हैं, साधु आते हैं वृंदावन से इस भगवान के नाम की महिमा को बताने के लिए, जिसको महाप्रभु ने जगत में पूरा प्रचार किया। आप देख सकते हैं कि हमारे देश के लोग ही नहीं, पूरे विदेश में इस नाम का प्रचार हो रहा है, लोग इसको अपना रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो इसको करने से ही पता चलेगा कि है क्या चीज ये, और बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं करना, कुछ जीवन से कुछ आपके कुछ लॉस नहीं हो रहा, कुछ ऐड ही होएगा आपके जीवन में, कुछ जीवन से ऐसा नहीं हो जाएगा कि बहुत कमी हो जाएगी घर में। हम जिन प्रभु के घर में आए, आपके घर में कोई कमी हुई प्रभु जी? हैं इतने सालों से हरि नाम कर रहे हैं, बड़ी रहे इनके यहाँ पर, तो हम देखते हैं कितना सुंदर इन्होंने ठाकुर जी का यहाँ पे मंदिर बनाया। तो इस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम आपका नाम कर सकें, जो कलयुग का मंत्र है, जिस महामंत्र बोला इसको, छोटा नहीं, महामंत्र, सभी मंत्रों का क्या है ये, राजा, और किसी मंत्र का नाम ऐसे नहीं बोलते महामंत्र, महामंत्र अर्थात हरे कृष्णा
हरे कृष्णा, बोलिए जोर से, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, बड़ा आसान है। तो आप सब करिए प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी के हम सब पर कृपा करें और हम उनका नाम अच्छे से कर सके। वांछा उपद्रुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की। ओम ज्ञान कामिराम चलाते चक्षुरंगलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम शुभ स्वागतम् गुरु जी का आदेश है कि गौर तत्व पे हमें कुछ चर्चा करनी है। तो महाप्रभु के जन्म का जैसे प्रभु जी ने बताया, सबसे पहले हम देखते हैं कि महाप्रभु है कौन, उनका प्रणाम मंत्र हम सुनते हैं, बोलते हैं, नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। कि किस प्रकार जो महाप्रभु है वो श्री कृष्ण से अभिन्न है, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः, और किस प्रकार उनका एक तपते हुए स्वर्ण के जैसा उनका कांति है, कॉम्प्लेक्शन है, और बोल रहे नमो महाबदन्याय। केवल बदन्याय भी नहीं, बदन्याय का अर्थ होता है डोनर, मतलब जो बांट रहा है, डोनेशन दे रहा है, और सबसे बड़ा डोनेशन उन्होंने दिया है हमारे को महाबदन्याय। क्या दिया है? वो प्रेम भक्ति दी है राधा कृष्ण की। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि किस प्रकार जो उन्होंने दिया है वो हम उसको कैसे समझ सकते हैं। अभी तो हमारी स्थिति ऐसी है कि जैसे एक बच्चे को डायमंड दे दिया और उसको पता ही नहीं उसकी वैल्यू क्या है, और वो बस खेल रहा है उसके साथ, कभी इधर फेंक रहा है उधर फेंक रहा है। तो बता रहे हैं कि अनर्पित चरिम चिराग करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियं हरि पुरति सुंदर द्युति कदम संदीपितः सदा हृदय स्फुरतु वह सतिनन्दनः। तो बोल रहे हैं कि कैसे अनर्पित चरिम चिराग, वो चीज उन्होंने प्रदान करी है हमारे को जो अनर्पित चिरकाल से हमें नहीं मिली है। करुणयावतीर्ण कलौ, करुणा के वो सागर है, करुणा के अवतार है। समर्पयितुम तो उन्नत उज्ज्वल रसा, वो उन्नत उज्ज्वल रस का जो संपत्ति है वो उन्होंने हमें प्रदान करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। अभी 500 वर्ष पहले, तो हम अगर हम देखें एक बार, जस्ट बैठ के सोचें कि हमें क्या चीज मिल गई है। इतने सारे जीव जंतु हैं, उसमें कितने कम लोग, कितने अलग अलग प्रकार के, कई लोग भोगी, कोई योगी, कोई ध्यान योग ज्ञान योग, कुछ कोई कर्म योग कर रहे हैं, उसमें से कितने चुनिंदे लोग भक्ति योग से जुड़े हुए हैं। और उसमें भी अगर हम देखें तो उसमें भी अलग अलग अन्य अन्य देवी देवताओं का करते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कितने चुनिंदे लोग कृष्ण को पूछते हैं, उनको मतलब एकांति की भक्ति करते हैं उसमें, और उसमें भी राधा जी को जो लेकर चलते हैं। उसमें भी हम देखें कि महाप्रभु की जो धारा है कितनी सूक्ष्म है, कितनी छोटी, कितने कम लोग हैं उसमें अगर हम देखें, इतने सारे पूरे जीव जंतु में अगर हम देखें। फिर उसमें भी आते हैं कि हम कैसे गौड़ीय संप्रदाय एकदम शुद्ध फिल्टर होते होते हमें एकदम जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ जो हमें मिल रही है, तो उसकी हमें वैल्यू अभी नहीं हो पा रही क्योंकि हमें पता नहीं है वो है क्या। तो उसी प्रकार बता रहे हैं कि कैसे वो क्या है, कि क्यों महाप्रभु का मत क्या है, महाप्रभु आए हमें देने क्या आए, उन्होंने हमें ये चीज दिया, चलो हमें पता चल गया ठीक है डायमंड है, ठीक क्या है, मतलब क्या इसका यूज है, या ये क्या सिग्निफाई करता है। तो उसमें बता रहे हैं कि आराध्य भगवान ब्रजेश तन्यास तत्धाम वृंदावनम रम्या काजित उपासना ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम अमार प्रमाणम अमलम प्रेम विमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मत्तम इदम तत्रागर और नह पर। तो बता रहे हैं कि महाप्रभु क्या देने आए हमारे को एक उद्देश्य देने आए हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि अगर हमारा अभी अगर हमें हम अपने आप को देखें तो हमारे लिए सबसे मूल्य क्या है, हमारा समय, धन से भी ज्यादा मूल्यवान होता है समय।
आप किसी चीज में समय दे रहे हैं तो उसका जो आउटपुट क्या आना चाहिए वो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर बता रहे महाप्रभु कि कैसे अगर आप भक्ति योग भी कर रहे हैं तो भक्ति में भी किस प्रकार आपको एक एक गोल होना चाहिए, वो एकदम पिन पॉइंटेड होना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारा जो काम में हम तो बोल रहे आराध्य भगवान की कैसे हमें आराधना करनी चाहिए, किसकी आराधना करनी चाहिए, सबसे पहले आराध्य भगवान ब्रजेश तनयाज। तो उस उनकी जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है वो ही हमारे इष्ट हैं, उनकी हमें आराधना करनी है। और किस प्रकार करने वो भी बता रहे हैं, तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गे नया कल्पित। कि जैसे ब्रज के जो वधु है जो गोपियां हैं जिस प्रकार उन्होंने कृष्ण की आराधना करी है उस प्रकार हमें उसी भावना से उनके अनुगत्य में हमें वो उस प्रकार आराधना करनी है। और कह रहे हैं कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम मनगढ़ंत बना रहे हैं कैसे, ये प्रमाण है। कहां श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अंगलम प्रेम कुमर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम। और यही श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है, उनकी फिलोसफी है प्रेम तत्रादरो न परह, कि हमारे लिए इससे बड़ी आदर की वस्तु कोई भी नहीं। हम बाकी सारे ध्यान योग ज्ञान योग अन्य अन्य देवी देवता सबको दूर से प्रणाम करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे ऊंचा आदर की जो वस्तु है वो है ये श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मत है। उसी प्रकार बताते हैं कि कैसे महाप्रभु ने आकर क्या प्रदान किया, ये उन्नत उज्ज्वल रस प्रदान किया। और ये किस चीज का है, ये राधा कृष्ण की भक्ति है। अब कोई पूछे कि अच्छा महाप्रभु तो खुद ही बोल रहे हैं कि आप राधा कृष्ण की भक्ति करो, आराध्य भगवान ब्रजेश तनयाज, तो फिर हम महाप्रभु की भक्ति क्यों करें? जब वो खुद ही बोल रहे हैं तुम राधा कृष्ण की करो, तुम स्वयं बोल रहे हैं कि राधा कृष्ण की भक्ति करना है, तो अगर हम महाप्रभु की भक्ति कर रहे हैं तो फिर वो तो एकांतिकी या फिर जो जो भक्ति है उसका भंग हो जाएगा। कि हम हमारे हृदय में राधा कृष्ण के प्रति अनुराग हम डेवलप करना चाहते हैं तो महाप्रभु का हम करेंगे तो वो कैसे करेगा? तो ऐसे प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कितने सारे उदाहरण देते हैं चैतन्य चंद्रोदया में और नवदीप अष्टक में, कि नवदीप शतकम में कि किस प्रकार महाप्रभु की भक्ति करने से हम राधा कृष्ण की भक्ति स्वयं कर रहे हैं। तो उसी प्रकार वो समझा रहे हैं किस प्रकार जैसे अब यहाँ पर हम देख रहे हैं अन्य अन्य विग्रह हैं, महाप्रभु का अलग विग्रह है, राधा कृष्ण का अलग विग्रह है, तो तत्व अलग है, तत्वतः कुछ डिफरेंस है, रस से डिफरेंस है। तो वहां हम देखते हैं कि अब यहाँ पर हम भोग लेके आए तो हम कैसे भोग दें, क्या हम सीधा राधा कृष्ण को भोग दे दें? तो उसमें श्रेणी बताते हैं कैसे गुरुवर्ग की, किस प्रकार हमें सबसे पहले गुरुवर्ग से आज्ञा लेकर सबसे पहले हम महाप्रभु को हर चीज ऑफर करते हैं, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, और उसके बाद फिर हम राधा कृष्ण। किसी भी प्रकार का अड़चन होता है सबसे पहले हम महाप्रभु को करते हैं क्योंकि उन्हीं के थ्रू हमें वो रस मिला। अगर महाप्रभु नहीं आते तो क्या हमें पता चलता राधा कृष्ण किस प्रकार हमें भक्ति करना है? कुछ भी नहीं पता चलता। इवन कि हरे कृष्ण महामंत्र भी उन्होंने ही निकाला शास्त्रों में से, पहले ये ब्रह्म तारक मंत्र था जो कि मन में किया जाता था, तो मन में शिक्षा मंत्र होते वो मन में किए जाते हैं। उसी प्रकार जो महामंत्र था ये भी लुप्त था, ये मन में किया जाता था ब्रह्म तारक मंत्र की तरह, लेकिन महाप्रभु ने आकर इसको उच्च उच्च स्वर में उच्चारण करने का इनको विधि बताया किस प्रकार। तो ये स्वयं हरिनाम, जैसे प्रभु जी ने इतना सुंदर रूप से हरिनाम की महिमा बताई, किस प्रकार सारी चीजें जैसे महाप्रभु खुद अपने अष्टक में बता रहे हैं, शिक्षा अष्टक में, कि कहां से कहां तक वो लेके जा रहे हैं। शुरुआत में चेतो दर्पण मार्जना, क्योंकि हमारे हृदय को साफ करता है, और धीरे धीरे कैसे सारे जो गुण चाहिए होते हैं एक भक्त बनने के लिए वो धीरे धीरे हमारे अंदर आते हैं। फिर कहां तक लेके जा रहे हैं, आश्लिष्य वापादनताम विनष्टुमा अदर्शनान मर्महताम करोति वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु एव नापरः। कि कहां यहां से शुरू किया महामंत्र का उन्होंने कि किस प्रकार हमारे हृदय की साफ सफाई करेगा, और उस वहां पर जाते हैं कहां वो उन्नत उज्ज्वल रस तक जा रहे हैं कि कैसा गोपियों का भाव है, आश्लिष्य वापादनताम विनष्टुमा तो आप रोंद भी देंगे। अभी हमारा भक्ति किस प्रकार है कि हमारा सारा सेल्फिश है कि हमारे को धन मिल जाए, हमारा थोड़ा ये काम बन जाए वो हो जाए, तो जैसे ये नहीं होगा तो कृष्ण भी हम नहीं मानेंगे फिर उनको।
तो उस प्रकार अभी ऐसा सेल्फिश वाला है, लेकिन वहां पर कैसे गोपियों की कैसी महिमा है। आश्लिष्ट सेवा पादरताम पिनष्टवाम अदर्शनाम नर्मलताम करोति वा। अगर आप हमें अपने पैरों के तले रोंद भी देंगे पर हमारे सामने आप किसी और के पास जा रहे, हमारे को त्याग दे रहे हैं एकदम से, लेकिन फिर भी हमारे प्राणनाथ आप ही हैं, तो ये कितना सेल्फलेस और कितना हृदय स्पर्शी भाव है जो इस महामंत्र से हम कहां से कहां तक पूरा ये लेके जाता है। तो उस प्रकार वो मंत्र महाप्रभु ने प्रदान किया और वो शिक्षाएं प्रदान करी उस प्रकार की भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करनी है। तो ये सारा एक ज्वेल है जो कि हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जितना हम इसमें मनन करेंगे, हम एक बार बस सोचेंगे कि हमें क्या मिल गया, तो एक इतना आदर और इतना ग्रेटिट्यूड रहेगा कि मतलब पूरी लाइफ हम बस यही सोच के खुश रह सकते हैं कि अरे मैं कौन से संप्रदाय में जुड़ गया, मेरे को कौन से वैष्णव मिल गए, इस प्रकार की इतना ऊंचा मेरे को संपत्ति प्रदान हो रहा, चाहे हम खुद कुछ भी ना कर पाए ज्यादा कुछ, बस ये सोच के कि अरे मैं कितना लकी हूँ, मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ, हम बस खुश रहेंगे ऐसे। तो उस प्रकार महाप्रभु का जो अवदान है वो हम कभी उस तरीके से जान नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ वैष्णव जिनके हृदय में महाप्रभु बसे हुए हैं, जिनके हृदय में महाप्रभु ने वो प्रेम प्रदान किया है, केवल उनकी सेवा से या उनसे उनकी कृपा प्राप्त करके हमें थोड़ा छीटा फूटा मिल पाएगा, वरना हमारे खुद की चेष्टा से हमें कुछ इसमें मिल नहीं पाएगा, क्योंकि वो संपत्ति जिसके पास है वही तो दे सकता है। मैं कहाँ से कितने में कुछ कर लूँ, मैं उसको बना नहीं सकता अपने आप से, वो चीज है वो कहीं है, मैं अपने आप से कुछ भी करता रहूं वो नहीं बनेगी मेरे से, तो वो चीज जहां है जिसके पास है मेरे को वहां जाके उनसे ही लेनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार हमें जैसे गुरुवर्ग जो हमारे हैं, गुरु परंपरा हम देख रहे हैं, तो कैसे अनब्रोकन चेन है, ये अनब्रोकन चेन ही ऑथेंटिसिटी प्रूव करते है कि प्रमाण है कि कैसे जो धन आ रहा है, वो संपत्ति जो आ रही है वो नॉन स्टॉप है, मतलब वो पूरे धारा की तरह, नदी की तरह, उसमें कोई ब्रेक नहीं है, कोई डैम नहीं है। तो यहाँ पर हमें वही संभव, वही हमारा इतना बड़ा फॉर्चून है कि हम उस नदी के पास आ गए, तट तक आ गया, बस उस नदी के अंदर हमें थोड़ा डुबकी लगा लिया। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी का अभी हम लोगों ने सुना महाप्रभु के संबंध में, समय भी हो गया, सबको भूख भी लग गई और फिर हमारी भागवत भी है 4 बजे से। बहुत से लोग कहते हैं भागवत जी में महाप्रभु जी का नाम नहीं है, लेकिन जो कभी भागवत जी समझे नहीं और गुरु मुख से कभी श्रवण नहीं किए, वे ही अज्ञान वशत इस बात को कहते हैं। परंतु भागवत जी में कितने प्रकार के श्लोक हैं जहाँ पर महाप्रभु जी का उल्लेख हुआ। श्री गर्गाचार्य जी श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार करने आए और नामकरण संस्कार कृष्ण का हो रहा है, लेकिन कृष्ण भविष्य में क्या करेंगे गर्गाचार्य जी ने पहले से कह दिया। क्या कहा? आसन वर्णस्त ही यस्या गृहतम अनुयुगल तनु शुक्ल रतास्तथा पीतम इदानी कृष्णदम तथा। बोलते हैं आपके इस बालक कृष्ण ने सतयुग में शुक्ल वर्ण के थे अर्थात श्वेत वर्ण के थे, त्रेता में यही लाल वर्ण के, और कलयुग में यही आपका बालक पीत वर्ण कलि पावन गौरा, पीत वर्ण सोने के जैसे कांति से युक्त होकर आई भाई, और इदानी कृष्ण तम बताया, इस द्वापर में कृष्ण होंगे। और बताया देखो सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति कौन है, तो जिसने पीएचडी किया वो सबसे बड़ा समझदार है ना, इसने मास्टर्स किया सबसे ज्यादा समझदार, तो पीएचडी करने वाला सबसे ज्यादा समझदार हो सकता है, बहुत बैठे हैं पीएचडी करे हुए। भागवत जी ने उनको समझदार नहीं कहा, समझदार का मतलब होता है बड़े अच्छे बुद्धि वाला, और अच्छे बुद्धि वाले को कहा जाता है सुख में दशा। प्रभु क्या श्लोक है? कृष्ण त्विषम गणेश कृष्ण कृष्ण राम नस्तपास्तम यज्ञ संकीर्तन कलि जयंती ही सुनिश्चित। फिर से बोलो। कृष्ण वर्णा त्रिशम कृष्णम संग पंगस्तपाशदम यज्ञ संकीर्तन।
कीर्तनकारी जयंती संकीर्तन प्राय प्राय जयंती ही सुमेध। देखो बच्चे को भी आता है सुमेधसा, मतलब सुंदर बुद्धि वाला, तीव्र मेधा वाला कौन व्यक्ति माना जाएगा कलयुग में, जो ऐसे अवतार का पूजन करेगा जो है तो अतुषा कृष्ण, जो जिसका वर्ण कृष्ण जैसा काला श्याम नहीं होगा, अकृष्ण होगा, सुंदर तप्त कांचन, लेकिन मुख से वर्णन किसका करेगा, होते कृष्ण का। इसलिए महाप्रभु जी क्या करते हैं, गाय गौरा मधु स्वरे, महाप्रभु जी बड़े मधुर स्वर में कंठ में गाते हैं, क्या गाते हैं, अपने ही नामों को गा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, गाय गौरा मधु स्वरे। महाप्रभु जी बड़े मधुर स्वर में अपने ही नामों का स्वाद ले रहे हैं, इसलिए कृष्ण वर्ण मधुषा कृष्ण संग पंग अस्त्र पार। अच्छा भैया दूसरे दूसरे अवतार अस्त्र लेकर रहते हैं, बताना तो आपका नाम क्या है, अर्पित, अर्पित जी, राम जी के हाथ में कौन सा अस्त्र था, धनुष, सिर्फ धनुष, अच्छा परशुराम जी के हाथ में कौन सा अस्त्र था भैया आप बताओ, परशुराम जी के हाथ में कौन सा अस्त्र था, आपसे पूछ रहा हूँ, जिसका फोन बज रहा है बताओ, ये बता मुश्किल वाला पूछ लिया, मुश्किल तो है। अच्छा कृष्ण भगवान कृष्ण के हाथ में कौन सा अस्त्र, सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र, आसान है ये, क्यों कभी कभी कटे थे कभी तो कटे होंगे, परशुराम जी के हाथ में कौन सा है, सारे क्यों बोल रहे जैसे पूछ रहा हूँ, कुछ कल की भगवान आएंगे उनके हाथ में कौन सा अस्त्र, जैसे पूछा तेरे को काटेगा। अच्छा और कौन से भगवान, हाँ वरा भगवान के हाथ में माता नहीं पता ना, ये भी मुश्किल वाला हो गया ना, अब बता दो गदा, तो सारे भगवान एक एक अस्त्र लेकर आते हैं, महाप्रभु जी के पास बड़ा सुंदर अस्त्र है, हाथ में नहीं है मुंह में, क्या है, अरे वाह इसको तो सब पता है, ये सुमेधसा ये समझ वाली है, महाप्रभु जी के मुंह में महामंत्र वाला अस्त्र है, और अवतारों में तो मारा काटा, इस अवतार में तो जो आगे बढ़ा उसको स्वभाव ही बदल दिया, प्रेम दे दिया, इसलिए यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन दिहि सुमेधसा, इस कलयुग में ऐसे अवतार का जो पूजन करेगा उसी को ही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाएगा, ये बताया। और दूसरा बताया तक्त्वा सुदुस्तज्य सुरिष्टदाज लक्ष्मी धर्मनिष्ठ आर्य वचस यदगान अरण्यम माया मृगम दैत इप्सित अन्वधाव वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। बहुत से लोग भागवत करने वाले ना कहते हैं ये वाला श्लोक एकादश कर्म में तो राम जी के लिए बोला, क्योंकि इसमें बताया कि जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया और हिरण के पीछे भागे, हिरण के पीछे कौन भागा था, तो ऐसे महापुरुष श्री राम जी को प्रणाम करते हैं, ये भागवत जी वाले बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी गुरु मुख से श्रवण किया नहीं, समझ ही नहीं आती प्रसंग क्या चल रहा है, प्रसंग के अनुसार तो बात करनी चाहिए ना, प्रसंग के अनुसार बात करनी चाहिए ना, जैसे उदाहरण के रूप में घर में कोई त्योहार हो, बड़ी प्रसन्नता हो, किसी का जन्मदिन हो, कोई ब्याह शादी हो, तो वहां पर होली का कीर्तन गाओ कितना अच्छा लगता है ना,
आज भी रज में होली रे रसिया, सब नाच कूद रहे और ब्याह शादी वाला घर हो और वहां पर भजन गाओ, क्या लेकर तू आया इस जगत में, क्या लेकर तू जाएगा, है ना? वो भैया शादी का माहौल है क्या, क्या है? और किसी के घर में कुछ हो जाए, अनहोनी, कोई शरीर छोड़ दे, वहां पर बैठकर गाओ, नहीं मत बोलो, वहां पर बैठकर गाओ, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, बोले नंद के घर आनंद नहीं भैया, नंद के घर गए हो, नंद के घर गए हो, हाथी घोड़ा तो प्रसंग के अनुसार होता है ना। तो भाई जो आप लोग बोलते हो ये श्लोक राम जी के लिए कैसे है, वहां पर प्रसंग को देखो, वहां पर ये बोला गया कलयुग में अवतारों की वर्णन का बताओ, तो राम जी कलयुग में आए थे क्या, इसलिए श्लोक महाप्रभु जी पर लगता है। त्वक्त्वा सुदुस्तज्य सुरिक्षदाज लक्ष्मी, जिन्होंने अपनी शक्ति श्री विष्णु प्रिया देवी को छोड़ दिया और संन्यास धारण किया और माया मृदुम देखत इर्षित अंबधावत, हम जैसे लोग जो माया रूपी मृग, मृग मतलब हिरण, हिरण जहां पर निराज होता है पानी की ओर भागता है लेकिन पानी नहीं मिलता मर जाता है, हम भी उस आनंद की खोज में दौड़ रहे हैं चारों दिशाओं में, आनंद मिले आनंद मिले आनंद मिले, लेकिन आनंद की खोज में करते 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 मर जाते हैं, आनंद नहीं मिलता। ऐसे जो हम माया मृग, माया रूपी मृग के पीछे दौड़ने वाले हम कलिहत जीव, हमारे पीछे महाप्रभु जी दौड़ लगाए, मतलब हमको वह भक्ति वह निर्मल शुद्ध प्रेम भागवत जी की शिक्षा और उपदेश दिया, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा। कुछ लोग सही बोल नहीं पाते, पहले बोलते हैं भजो कृष्णा बोलो कृष्णा, ऐसे बोला महाप्रभु, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा, ऐसे प्रमाण महाप्रभु जी में है, प्रहलाद जी ने भी कहा ऐसे प्रमाण है महाप्रभु जी का, जिन्होंने का मत ही श्रीमद् भागवत है, जो सारे शास्त्रों का जो सार है भागवत महापुराण, और उसको सुनने की इच्छा हो तो 4 बजे आ जाना गौर प्रेमान, ठीक है, जोर से बोलो, भागवत जी के लिए बने, तो 4 बजे भागवत जी की कथा होगी, आज वामन भगवान की कथा और श्री कृष्ण जन्म रहस्य को श्रवण कर, हरे कृष्ण श्री राधा गोपीनाथ जी की जय, श्री गौर प्रभु की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र जी की जय, श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। भैया कोई छोड़ा रखो, सबको ही पकड़ के रख लिया, वैकुंठ भी यही, श्वेत देव भी यही, गोलोक वृंदावन भी यही, जगन्नाथपुरी भी यही, गौरधाम भी यही, गौरधाम भी वहाँ पर, श्वेत जी साकेत वैकुंठ सब यहीं पर, सब गोलोक वृंदावन, गृह भजन देखी गृह गोलोक, भक्ति ठाकुर जी ने कहा जिस घर में ऐसे ठाकुर जी की अच्छे से सेवा होती है, घर के सारे सदस्य भगवान का नाम करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, कितने सुंदर रूप से उनकी प्रत्येक दिन सेवा होती है, वो घर ईंट पत्थर का घर नहीं है, क्या बोला गया गृहते गोलोक, गोलोक के समान माना जाता है, क्योंकि गोलोक में भी क्या होता है, सब तो कृष्ण की ही सेवा करते हैं, कृष्ण ही केंद्र होते हैं, इस घर में भी ऐसा होता है, जो भी कुछ आता है सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगता है, विधि भक्त, और गोलोक में क्या होता है, गोलोक का सबसे बड़ा धन क्या, गोलोकेरा प्रेमा धना हरि नाम संकीर्तन, प्रेमधन क्या हरि नाम संकीर्तन, इसलिए यहाँ पर भी ये लोग बैठकर नाम भी करते हैं संकीर्तन भी करते हैं, भक्तों को बुलाकर हम सबको बुलाकर भी कीर्तन कराते हैं, किसकी प्रसन्नता के लिए, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, और यदि ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया भोग लगता है उसी लोभ में हम जैसे भवरे भी
सुनते सुनते यहाँ पहुंचा। चलो थोड़ा सा दिन का मिल जाएगा महाप्रसाद ठाकुर जी का और जीवन धन्य धन्य, क्योंकि प्रसाद सेविते है सकल प्रसाद भी सेवा करने को, प्रसाद का लोग ही अच्छा लोग होता है। तो ठाकुर जी का दर्शन कितना सुंदर और महाप्रसाद का आस्वादन गौर Oh,
गाय गौ गुरु प्रेमानंदे।